अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। हितेश चनियारा है जो कि एक कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और गुजरात के राजकोट शहर से ये अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। इनके नाम पर, इनकी जीवनी पर एक पुस्तक भी छपी है। ये इकलौते एक ऐसे LIC एजेंट हैं जो कि अपने गांव में मर्सिडीज लेकर घूमते हैं। मिस्टर हितेश जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन इंश्योरेंस एडवाइजर एंड हाउ टू टैकल इट। रंजीत जी नमस्कार, और पूरे हिंदुस्तान के सब ऑनलाइन DITV का इस जो वेबिनार को देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं रंजीत जी को खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन रंजीत जी एंड BITV फॉर दिस मार्वेलस आइडिया फॉर इम्प्लीमेंटेड एज अ वर्ल्ड डे सेमिनार विद दिस इंडस्ट्री एक्सपर्ट हु कैन रियली लाइटन दिस COVID-19 इम्पैक्ट ऑन अवर इंडस्ट्री एंड ऑन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। तो ऐसा बहुत अच्छा ख्याल आने के बाद रंजीत जी आपने जो इस वेबिनार का आयोजन किया उसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से, आपके BITV के माध्यम से हिंदुस्तान के 15 लाख एजेंट को मेरे ख्याल से आपका यह वेबिनार खूब ही बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और आज की तारीख में जहां COVID-19 का कोहरम पूरे वर्ल्ड में मचा हुआ है, वर्ल्ड की दो महासत्ताएं चीन, अमेरिका और यूरोप जिसकी झपेट में आ गया, 199 कंट्रीज में जिसका इम्पैक्ट, ऐसे बहुत कम देश है पूरे विश्व में जहां कोरोना का इम्पैक्ट नहीं है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हिंदुस्तान को होने वाले की आशंका होने की वजह से ये कोरोना COVID-19 के सामने फाइट देने के लिए हमारे वड़ा प्रधान ने 21 डेज का लॉकडाउन का बहुत ही कठोर निर्णय ले लिया है, जो निर्णय लेने के लिए पूरे वर्ल्ड की महासत्ता अमेरिका भी नहीं ले सकती है, नहीं ले पा रही है। ट्रंप जो बार बार ये कह रहा है कि हम इकोनॉमी की वजह से ऐसे कठोर निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में जो सबसे ज्यादा जानहानि हो रही है आज की तारीख में, रोज 24 घंटे में हर रोज अमेरिका से और यूरोप से बहुत बुरी बुरी खबर आ रही है कि COVID-19 की वजह से पूरे विश्व में आज 6 लाख से ज्यादा केस हो गए हैं और बहुत लोग मरे जा रहे हैं और इसका आज की तारीख में कोई भी ऐसा रसी जो होना चाहिए था वो हमारे पास या विश्व के कोई देश के पास अभी तक नहीं सोचा गया है और अभी तक मिला नहीं है। तो इसकी वजह से इस लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो 21 डेज के बाद हिंदुस्तान में क्या आएगा और पूरे हिंदुस्तान के साथ पूरे विश्व में भी इस इकोनॉमी में जो बदलाव आने वाला है, जो इम्पैक्ट आने वाला है वो हम सोच भी नहीं सकते। आज से 100 साल पहले मर्की की वजह से पूरे विश्व में एक ऐसा ही महामारी के साथ फाइट करने का, जूझने का सब लोगों को 100 साल पहले एहसास हुआ था और उस टाइम जब इकोनॉमी डाउन हुई थी तो 10 से 15 साल उस महामारी से निकलने के लिए लोगों को वक्त लगा था इस इकोनॉमी के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन विश्व भर की ये महामारी को फाइट करने के लिए एक ही रास्ता बचा था, लॉकडाउन। और आज वुहान शहर में कल ही न्यूज आया 76 डेज का लॉकडाउन खुल रहा है और पूर्ववत लाइफ शुरू होने जा रही है। तो 76 डेज के लॉकडाउन के बाद चीन के वुहान शहर जहां से यह महामारी का खतरा पूरे विश्व के लिए शुरू हुआ था वो हिंदुस्तान में ज्यादा न फैले, ज्यादा लोगों को परेशान न करे, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे बचे, इसलिए हमारे विश्व के पहले ऐसे देश हिंदुस्तान
इंडिया रहेगा जिसने सबसे बढ़िया डिसीजन, कठोर डिसीजन लॉकडाउन का 21 डेज के लिए लिया है, और ये 21 डेज लॉकडाउन मतलब कलम 144 कर्फ्यू, जो हमने कभी कभी कर्फ्यू का नाम सुना था, कभी कभी एहसास भी किया था, लेकिन 21 डेज लगातार इस कर्फ्यू के माहौल में अपने ही घरों में रहने के बाद हमको ये एहसास हो गया है कि ये लॉकडाउन हमको क्या क्या नहीं सिखाएगी। हमको मिनिमाइज नीड के साथ कैसे जीना है, ये लॉकडाउन के टाइम हम कितना कितना कुछ सीख सकते हैं, कुछ कुदरत ने सिखा दिया है और भी हम सीखने वाले हैं। मेरे हिसाब से इस लॉकडाउन की सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में सब देश की इकोनॉमी ऊपर पड़ने वाला है। क्यों पड़ने वाला है? क्योंकि विश्व के ज्यादातर देश एक दूसरे देश के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो अभी लॉकडाउन की वजह से सब देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बंद हो गया, तो ये सबसे पहला ग्लोबली इकोनॉमी डाउन होने का पहला रीजन और पहला इंपैक्ट पड़ेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ एवरी कंट्री। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरर्स है हमारे हिंदुस्तान में, मेरे इंडिया में, हमारे इंडिया में, उन सब के जो प्रॉब्लम आएंगे, लेबर, फाइनेंशियली, कैपिटल होना चाहिए, वो नहीं रहेगा, क्योंकि दो महीने एक महीना से सब बिजनेस, सब इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो ये टूर्स एंड ट्रैवल्स पे, ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री पे, सभी जगह इसका इम्पैक्ट रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। और आईटी सेक्टर्स में ये जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा इंटरनेशनली, सब जो डेटा प्रोसेसिंग पूरे वर्ल्ड की कंपनियां हिंदुस्तान में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, सिकंदराबाद में करती है, उनके एम्प्लॉय पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सबको लीव ऑफ का लेटर मिल गया है या तो मिलने वाला है, या तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां है, जो बड़े बड़े शहर में, उसके एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम का काम करने के लिए आदेश दिए गए हैं, उन सबको भी लीव ऑफ का, और फिर वापस नहीं जा पाएंगे अपने शहर, ऐसा करंट सिचुएशन दिख रहा है उस टाइम, उस पर भी बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री में भी प्रभाव पड़ेगा लॉकडाउन का। सब मॉल्स इंडस्ट्री है जहां हम शॉपिंग करते हैं, उसमें बहुत ही एक महीने से ये सब लॉकडाउन में सब मॉल्स बंद है, सब सिनेमास, फिल्म इंडस्ट्री, सब जगह इस महामारी की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। इन फिल्म इंडस्ट्रीज, इन मॉल इंडस्ट्रीज, इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, पूरे विश्व में जो टूरिस्ट एंड रिलीजियस प्लेसेस थे, जिसकी वजह से सब इंडस्ट्री चल रही थी, जहां लोकल मार्केट में जो बिजनेस होता था, वो सब इम्पैक्ट हो रहा है। और इसकी वजह से हिंदुस्तान में मल्टी लेवल इम्पैक्ट हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी ये सोच रहे कि इसकी वजह से बैंक के सब जो इंटरेस्ट रेट है वो भी रेपो रेट के साथ साथ सब कट कर रहे हैं, और इकोनॉमी को स्लो डाउन होने से बचाने की कोशिश में लग रहे हैं सब लोग। तो ऐसे टाइम पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी पड़ने वाला है, क्यों नहीं पड़ेगा भाई। और मैं चाहता हूं कि हम हमारी इंडस्ट्री में एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर इस इम्पैक्ट से कैसे निकले, जो हमारी इंडस्ट्री पे हमारे सब एजेंटों के साथ जिस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो कैसे पड़ने वाला है। ऐसे माहौल में जो सब लॉकडाउन की वजह से अपना धंधा, अपनी जॉब, अपना इनकम का जो जरिया था, रेंटल इनकम का जरिया था, वो सब बंद होने वाला है या तो बंद होने जा रहा है, और 2 से 6 महीना या तो 1 साल लगेगा इससे हमको उभरने में। पहली जरूरत तो है कोविड-19 को मात करने की, कोविड-19 को हमारे देश से
पूरे विश्व से इसको निकाल फेंक के हमको पहले तो हमारी लाइफ के लिए जो भी फाइट करनी है वो करनी है, लेकिन ये फाइट करते करते हम जो भी इसके साथ सोच होपफुली हम सब निकल जाएंगे। हमने सब ने भी इंडिया में दिए जो जलाए है वो तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की तरफ जाने के लिए हमने एक एक दिए एक एक उजास का दिया जलाया था, वो हमारी होप थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की होप थी कि हम सब साथ मिलकर इसको फाइट करेंगे और हम इससे निकल पाएंगे। लेकिन इस सब की अल्टीमेट असर हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी आ रही है और अल्टीमेट इंश्योरेंस एडवाइजर का जिसका जरिया इन लोगों की इनकम है वो प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जब उनको इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट ये सब पोर्टफोलियो में उसके साथ जुड़ के हमने उसके पोर्टफोलियो में ये सब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हमने उसके लिए इंश्योरेंस का SIP का और बहुत सी चीजों का हमने उसके पोर्टफोलियो में वैल्यू एडिशन किया था हमारी एडवाइस से, उन सब पे अभी इम्पैक्ट होएगा क्योंकि एक लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास जॉब नहीं रहने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडस्ट्रीज में सब जगह बंद होने की वजह से लिक्विडिटी ऑफ मनी पैसों की जरूरत पड़ने वाली है और वो जरूरत पूरी करते करते इन लोगों के पास 2 से 6 महीना या तो 8 महीना मेरे हिसाब से पैसे का लिक्विडिटी होना जरूरी है या तो सर्वाइव करना जरूरी है। उस टाइम सबकी नजर सबसे पहले हमारे इन्वेस्टमेंट किए गए हैं सब मनी पे रहेगी। दूसरा हम जब रिन्यूअल की बात करेंगे उसके बैंक के जो EMI रहेंगे, बैंक का लोन जो उसने लिया है वो भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहेंगे। SIP के लिए जो कट ऑफ करते थे वो SIP और EMI तो पैसे नहीं होने की वजह से या तो पगार या तो इनकम कम होने की वजह से ये सब हमारे क्लाइंट जब परेशान रहेंगे तो सबसे पहले उसको लिक्विडिटी पे नजर जाएगा, रिन्यूअल प्रीमियम भरने में दिक्कत आएगी, तब हम नए बिजनेस का नया इंश्योरेंस का नया इन्वेस्टमेंट का कैसे सोच पाएंगे उनके साथ बात करने को। और अपना सब इन्वेस्टमेंट का लॉस प्रॉफिट करके सर्वाइव होने के लिए वो सब अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी सेंसेक्स की ऊपर नीचे की होने की वजह से सब प्रॉफिट तो ठीक है छोड़ो, लॉस भी बुक करके लिक्विडिटी करना चाहेंगे तब हमको ऐसे टाइम पे सबको हेल्प करना है। और ये हेल्प करने के लिए हमारे पास ये लॉकडाउन एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको मदद करें, तो कैसे करें? सबसे पहले तो हम होपफुली उन सब के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर, प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर और इंश्योरेंस एजेंट की हैसियत से जो आज तक हमने उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन किए हैं उनके साथ साथ थोड़ा एज ए फैमिली मेंबर बन के उसके जो भी दिक्कत है जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ एज ए फैमिली मेंबर बन के हम खड़े रहे। और ना ही हम सिर्फ फोन करके पूछे लेकिन डिजिटल कनेक्टिंग बाय हार्ट विथ वीडियो कॉल, जूम कॉल और व्हाट्सएप वीडियो कॉल, मैसेंजर्स, फेसबुक मैसेंजर से ऐसे हमारे जो क्लाइंट है उसके साथ जुड़ने का ये सही मौका है, सही वक्त है उनके साथ रहने के लिए। हमको उनके इस लॉकडाउन की पोजीशन में कैसे हो, क्या करे, घर में हो, ये पूछने की बजाय उसका जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन करने में हमको उसकी मदद करनी चाहिए। उसकी जो भी जरूरत है, जो भी प्रॉब्लम है उसको पूछिए, उसको लिसन कीजिए, केयरफुली लिसन कीजिए। और मेरे हिसाब से बहुत ही बच्चे हमारे क्लाइंट के पूरे इंडिया से जो अच्छे अच्छे रॉयल फैमिली से उन सब के बच्चे देश विदेश में पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन के लिए गए हैं और वहां से आना जाना बंद हो गया, फिजी, फिलीपींस, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज में हमारे देश के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको इंडिया वापस आना है लेकिन फ्लाइट नहीं मिल रही। लेकिन हमारे ऐसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इतने अच्छे अच्छे सालों में हमने जहां भी हमारा कॉन्टेक्ट है, जहां दोस्त है हमारे, जहां रिश्तेदार है, उनको जरा
हम हमारे क्लाइंट या तो दूसरे फ्रेंड्स के क्लाइंट को जिसको भी जरूरत है आज हम उसके देश में जहां उसके बच्चे पढ़ रहे हैं उसको मदद करें कि उसको वहां क्या जरूरत है। उसको लिक्विडिटी चाहिए, उसको अगर इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए तो लॉकडाउन खुलने के बाद उसमें हम मदद करें। बहुत पॉलिसी सरेंडर करने के लिए आएंगी, लोन लेने के लिए आएंगी, हम हमारी सूझबूझ से हमारा अंडरस्टैंडिंग से उसको हम लाइटन करेंगे, उसको हम रोशनी देंगे कि नॉलेज से हमारे कि भाई क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, आपको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। नए बिजनेस की बात छोड़ो, लेकिन बहुत लोगों के पास इतने अच्छे रिलेशनशिप होने के बावजूद ये ऐसा टाइम आएगा कि क्लाइंट आपसे छूट जाएगा क्योंकि हमारी वजह से उसका बहुत ही नुकसान। जब हमने उससे SIP करवाया था तब हमने उसको मार्केट रिस्क के बारे में भी बताया होगा, इंश्योरेंस करवाया तब हमने रेगुलरिटी और प्रीमियम भरने का भी इम्पोर्टेंस समझाया होगा, लेकिन इस माहौल में वो सब भूल के हमारे साथ नहीं जोड़ने के लिए एक ही रीजन देगा, क्या सर आपने आपकी वजह से इतना लॉस हो रहा था, उनको भी संभालना है और उसके साथ भी रहना है और ऐसे माहौल में गुड रिलेशनशिप बिल्टअप करने के लिए एडिंग द वैल्यू इन रिलेशनशिप करना पड़ेगा, विन द ट्रस्ट ऑफ आवर क्लाइंट कि भाई जो भी हो रहा है COVID-19 से पहले हम जुड़ के उसका फाइट करके उसको मार भगाएंगे, फिर भी हम आपके साथ है कोई भी प्रॉब्लम है तो स्ट्रॉन्गर रिलेशन बनाने के लिए हमको भी हमारे साथ भी स्ट्रॉन्ग बन के उनको मोटिवेट करने के लिए उसको सर्वाइव करने के लिए मदद करनी पड़ेगी। और अभी भी हमारे जो भी पोर्टफोलियो हमने दिया हुआ है इन करंट सिनेरियो में आज की पोजीशन में वो कहाँ है कैसे है वो आज से एक महीने के बाद हमको उसका पोर्टफोलियो का स्टेटमेंट बना के उसको मिलके सबसे पहले तो हमने जो बोला ये सब करना चाहिए, उसका फैमिली को हेल्प करनी चाहिए मदद करनी चाहिए और फाइनेंशियल एडवाइजर मीट के हमको फैमिली मेंबर एज ए एडवाइजर बिजनेस एडवाइजर बन के उसको उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और अभी ऐसे माहौल में हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी क्या बिजनेस की, नहीं, इन सब के साथ जुड़े रहने से उनके साथ रिलेशनशिप बनाए रखने के बाद फिर बहुत लोगों के पास बहुत पैसे भी है तब हम एन्युटी प्लान हेल्थ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस इन सब का अपॉर्चुनिटी मिलेगा यूलिप प्लान का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ये सब अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास होपफुली रहने के अलावा और कोई चांस ही नहीं है इस मार्केट में इस सिनेरियो में। मैं चाहता हूं कि हम कुछ न करने की बजाय कुछ तो करें, डिजिटली जूम वेबिनार से वीडियो कॉलिंग से सबका फेस टू फेस बात करके इस प्रॉब्लम को फेस करें, उसकी जो प्रॉब्लम है उसका हम कुछ सॉल्यूशन दे। प्रॉब्लम नॉट अबाउट फाइनेंशियल, या वो भी जरूरत है तो हम फाइनेंशियल भी मदद कर सकते हैं इस टाइम हमारा सबके साथ रहने का जुड़ने का मतलब ये भी है कि आज की तारीख में पैसे से भी अगर मदद हो सकती है और भी कहीं जगह है मदद के लिए। मैं हमारे हिंदुस्तानी एक ऐसा देश से जहाँ सब NGO लग गई है भूखे नंगे जरूरत वाले सब लोगों को खाना खिलाने को का इंतजाम करने में राशन देने को राशन का किट पुलिस मेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स नर्स और आवाम को हमारी जनता को इसे टाइम पे हमारा भी एक रोल है, हमको वो रोल बहुत अच्छे से निभाना है और COVID-19 के साथ लड़ने के लिए हम आप सब एजेंट भाइयों को इंश्योरेंस एडवाइजर को होपफुली रह के हमारे फैमिली मेंबर जैसे हमारे साथ खड़े रहते हैं वैसे ही हम हमारे क्लाइंट के साथ खड़े रहे। अभी उसका प्रॉब्लम जो भी है उसके साथ एज ए फैमिली मेंबर खड़े रहे के हम उसको मदद करेंगे उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे तो इन फ्यूचर नए बिजनेस आने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। 6 महीने या 1 साल के बाद अगर सब ठीक ठाक हो जाता है तो हमारा इंश्योरेंस का बिजनेस या तो इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो का जो भी हम बिजनेस से लगे हुए है उन सबके बिजनेस में फिर स्टेबिलिटी आएगी, फिर नया इंक्वायरी आएगा तो उसी क्लाइंट से आएंगी जिसको हमने संभाला है आज की तारीख। तो दोस्तों ये मैं छोटे से शहर से छोटे से गांव से
राजकोट डिवीजन का केशोद ब्रांच एकदम नजदीक पड़ता है सोमनाथ और सासन की बाजू में, बीच में ही पड़ता है। सोमनाथ जूनागढ़ और सासन के बाजू में रहने वाला छोटे से शहर केशोद से मेरा रहना है और यहाँ से रह के मैं कॉरपोरेट क्लब मेंबर 7-8 सालों से सीओटी और 14 सालों से एमडीआरटी कर रहा हूँ और मेरी सोच से मैंने जो ठीक लगा वो आपके साथ शेयर किया है। सब जो अच्छा लगे वो आप अपने लिए, अपने क्लाइंटों के लिए चूज करना। और थैंक यू वेरी मच रणजीत जी, आपने मेरे को यह मौका दिया कि आपके माध्यम से, BITV के माध्यम से तीसरी बार मेरे को यह मौका मिल रहा है तो पूरे हिंदुस्तान के लाखों एजेंटों के साथ ये वेबिनार से मैं रूबरू होने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद।